आज हम आपके जरिए भाजपा से माफ़ी मांगने की मांग स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। भाजपा माफ़ी मांगो। क्यों? क्योंकि भाजपा अशिष्ट, अशोभनीय, अपमानजनक बयानों की माता है, प्रोड्यूसर है, जननी है। निरंतर आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाली भाजपा ने आज तक अपनी किसी भी अभद्र टिप्पणी के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। और हम आपको इस विषय में उनके चाल चरित्र रवैये का एक्सपोजे करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अपनी, और मैं प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री अपने प्रतिद्वंदियों के लिए भौंकना, ये शब्द मेरे इनमें से एक भी शब्द नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, भौंकना, दीमक, नाइट वॉचमैन, ये कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया है, ये मनमोहन सिंह जी के लिए इस्तेमाल किया है, जर्सी गाय सोनिया गांधी जी के लिए किया है, खूनी पंजा जैसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके मंत्रीगण इस पर ताली बजाते हैं। क्या यही राजनीतिक शुचिता का पर्यायवाचक है? क्या यही स्वच्छ अभियान है राजनीतिक शुचिता का? क्या भाजपा को इस पे माफी नहीं मांगनी चाहिए? वी आर स्टार्टिंग ए बीजेपी अपोलोजाइज कैंपेन थ्रू यू। वी आर पॉइंटिंग आउट एंड एक्सपोजिंग टू यू द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द बीजेपी। मिस्टर मोदी एंड द बीजेपी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आर सिंगल हैंडेडली responsible for lowering political discourse in this country, and I'm about to give you some shocking examples. And the sheer brazenness with which the BJP escapes any blame after indulging in crude, crass and coarse language is appalling, is disgusting, is inexcusable. Regret, apology and remorse are expressions which do not exist in the BJP lexicon, in their dictionary. Mitro, Shri Narendra Modi aur BJP ne ek aadat si bana li hai, besharmi ke saath aise apshabdon, apattijanak bayanbazi, bhaddi, ghinatmak, gandi bayanbazi karke aur uske baad बड़े सहज रूप से उसको भुला देना। माननीय प्रधानमंत्री की बात क्या करें, माननीय बीजेपी अध्यक्ष की बात क्या करें, सबसे निचले स्तर के बीजेपी वर्कर जो हायरार्की में हैं वो भी कभी ऐसी चीज़ों के लिए माफ़ी नहीं मांगते। ये आपत्तिजनक घृणात्मक टिप्पणियाँ चाहे महिलाओं के बारे में हो, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में हो, चाहे आम नागरिक के बारे में हो, चाहे दलित के बारे में हो, और इन सब के बारे में मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ, माफ़ी कभी नहीं मिलने वाली है, इसका आभास भी कभी नहीं मिलने वाला है। और जिस सहजता से, जिस खुलेपन से इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का एक शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक PhD थीसिस का स्टडी हो सकती है, और ये आवश्यक है कि राजनीति में आपके समक्ष इसको एक्सपोज किया जाए, इसके उदाहरण दिए जाए। तो एक लाइन में, एक वाक्य में बीजेपी का मूल मंत्र है अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौच, और फिर बिना किसी माफी, बिना किसी आभास के भूल जाना, भाग जाना। अभी के 3-4 तो बहुत ही हाल के उदाहरण हैं, बहुत ही निकट हाल के उदाहरण हैं। परेश रावल जी, और उन्होंने ज़रूर कुछ कहा है, वो शायद एक अपवाद हैं कि उन्होंने बाद में कुछ रिग्रेट व्यक्त किया है, मैंने सुना है, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या संकेतात्मक नहीं सीधा टिप्पणी किया, पढ़ लीजिए अपने आप, देख लीजिए। आई कोटिंग एवरीथिंग आई एम सेइंग, मेरा एक भी शब्द नहीं है, मैं कोट्स में बोलता हूँ हर चीज़। आवर चाय वाला इज़ एनी डे बेटर देन योर बार वाला, इसके बारे में उन्होंने कुछ थोड़ा प्रकट भी किया है, रिग्रेट।
रूपानी जी ने पूरे जो समुदाय है प्रजापति समुदाय गुजरात में, और वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, सांवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनको चिल्लड़ कहा है। चिल्लड़ हिंदी में आप समझते हैं आम चलती हुई लूज चेंज। क्यों? क्योंकि प्रजापतियों का हिम्मत हो गई कि उन्होंने आरक्षण मांग लिया। एक मंत्री महोदय लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश में, और उसके अलावा कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, ये मंत्री हैं, सिटिंग मंत्री है मध्य प्रदेश में, उन्होंने गोडसे साहब को, नाथुराम गोडसे जैसे महान व्यक्ति को महापुरुष कहा। ये महानता का मापदंड है बीजेपी का, महापुरुष। अभी कोई चार दिन नहीं हुए, नित्यानंद राय जी हैं, अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के, और मैं कोई छोटी मोटी आसामी की बात नहीं कर रहा हूँ, और छोटी मोटी आसामी भी इस देश में ये कहने का पूरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रखती है। वहाँ के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं अगर आपने एक आवाज़ उठा ली, एक आँख दिखा दी, एक उंगली दिखा दी हमारे प्रधानमंत्री को, तो हम हाथ तोड़ देंगे आपका, हम चॉप ऑफ कर देंगे। एग्जैक्ट वर्ड है ब्रोकन, चॉप्ड ऑफ। ये तो मैं शायद सिर्फ एक हफ्ते या 7 या 10 दिन की बात बता रहा हूँ, ये हालत है हमारे राजनीतिक डिस्कोर्स की। अब ये हुआ ये है कि जिसको आप फ्रिंज कहते थे, एक प्रकार से जो मेन मुख्य धारा का हिस्सा नहीं था कभी, भाजपा सफल हो गई है इस प्रकार की राजनीतिक शैली को मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, ये भारतीय मुख्य धारा की शैली नहीं है, ये भारतीय गणतंत्र की मुख्य धारा की शैली नहीं है, ये भारत की अस्मिता की मुख्य धारा की शैली नहीं है, ये भारत के आइडेंटिटी की मुख्य धारा की शैली नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया की मुख्य धारा की शैली नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बहुत कम समय में इसको एक मेन मुख्य धारा की शैली बना दिया है। मुझे तो आश्चर्य नहीं, मुझे तो घृणा हुई, वास्तव में तीव्र दर्द हुआ और घृणात्मक एक फीलिंग हुई कि इस प्रकार की अमित वाली है, उनके जो हैं जैसे कोई एक बैटरी रैम बना दिया है, एक आईटी सेल के हेड बना दिए हैं, वो माननीय नेहरू जी के बारे में इतनी घृणात्मक गिरीवी गटर वाली आक्षेप लगाने के लिए इस प्रकार की पोस्ट करते हैं। पिक्चर विजयलक्ष्मी पंडित के साथ नेहरू जी हैं, मैं आपको देने वाला हूँ ये पूरा दस्तावेज, और नीचे लिखते हैं, कोट कर रहा हूँ वापस, माननीय अमित मालविया जी, इट सीम्स हार्दिक हैज मोर ऑफ नेहरूज डीएनए कॉन्ट्ररी टू व्हाट शक्ति सिंह गोयल हैज क्लेम्ड। इस तरह की चीज मैं नॉर्मली इसका उत्तर देने को नहीं समझता एकदम सही, मैं आपको सिर्फ एक सामूहिक रूप से एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देने के लिए कहना, मैं विवश हो रहा हूँ कहने के लिए। लेकिन इस प्रकार की कोई सत्तारूढ़ पार्टी तो दूर, कोई मतलब बाहर की पार्टी इस देश की पार्टी भी नहीं हो, कोई हमारे पाकिस्तान की पार्टी भी ऐसा नहीं कहती है या करती है। दिस इज नॉट ऑल, मैं बात सुन लीजिए अभी आपको बहुत, ये सब चीज़ें आपने कभी प्रश्न उठाया, आपने ये पिछले 5 दिनों से चल रहा है, आपने उनसे प्रश्न पूछा? ये आप बहुत जल्दी सरूर साहब से प्रश्न पूछे आगे मेरे से। अब मैं आपको बनाना चाहता हूँ कुछ और उदाहरण जो पुराने हैं इससे। मोदी जी, अब मैं मोदी जी पे आ रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, 17 अक्टूबर को उन्होंने कहा, विकास के नाम पे कांग्रेस भौंकती है, एंड ईच वर्ड आई एम सेइंग इज अ कोट, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम कोटिंग, द कांग्रेस बार्क्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ये है 17 अक्टूबर 2017, पिछले माह। माननीय मोदी जी 4 नवंबर 2017, एक हफ्ते पहले, दीमक है कांग्रेस, दीमक टर्माइट्स, छत्तीसगढ़ फरवरी 2014, तो पुरानी बात हो गई, जानी मानी चीज है, खूनी पंजा है कांग्रेस, ब्लड स्टेन्ड पाम। और इस किसी के लिए आपने बहुत सारी माफियां सुनी होंगी मोदी जी से, बहुत रिग्रेट खेत तो सुना होगा, मैं तो नहीं सुना, उनके प्रवक्ता द्वारा भी नहीं सुना, उनकी पार्टी द्वारा भी नहीं सुना, उनके अध्यक्ष के बारे में द्वारा भी नहीं सुना। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के विषय में उनको कहा नाइट वॉचमैन, अब मनमोहन सिंह जी का मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री का पद तो वही है, उसी पद को तो वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं मोदी जी आज, कल प्रधानमंत्री के पद के पदाधिकारी को अगर हम बोलेंगे नाइट वॉचमैन तो कैसा लगेगा उनको। उसके बाद मोदी जी ने कहा सोनिया गांधी के विषय में जर्सी काओ, और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी के विषय में हिब्रिड काफ। देखिए हमारी संस्थापिक स्मृति बहुत कमजोर है, इसलिए घृणात्मक
बड़े गिरे हुए भद्दे शब्दों का प्रयोग मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों की सबकी स्मृति, इस देश के नागरिकों की स्मृति को जॉग करना, हिलाना अति आवश्यक है। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। हम अपने प्रतिनिधियों के बारे में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर उन्होंने कहा, और ये बड़ा रोचक है कोटेशन में, पूरा वाक्य कहा मोदी जी, सब मोदी जी, सब कुछ मोदी जी है ये कोट, आई हैड टेकन अ रैंडम सर्वे ऑफ 20 पीपल एंड ऑल ऑफ देम सेड दे वुड नॉट इवन हायर सोनिया जी एज अ क्लार्क अनकोट। अब इस देश के करोड़ों लोग जब उनके साथ होते हैं सोनिया जी के, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष 10 साल रही हों और कई बार चुनाव जीती हों, और ऐसा कहना कि वुड नॉट इवन हायर सोनिया जी इवन एज अ क्लार्क, मैं नहीं समझता कि सोनिया जी की आदर में कोई कमी होती है इससे। इससे मोदी जी कई दर्जे गिर जाते हैं और शायद क्लर्क्स को भी अपमानित कर देते हैं। फिर वो कहते हैं, कहिए तो आपने सुना ही है कि माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह वो हैं जो हैविंग अ बाथ इन द बाथरूम विद हिज रेनकोट ऑन, ये भी कहा था उन्होंने, तो पार्लियामेंट में ही कहा था। बाजारू किसने कहा था? आपके समुदाय को, आप ही के समुदाय को कहा था। अच्छा, उन्होंने, आपने शशि थरूर का नाम लिया, तो ये माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने थरूर जी के बारे में कहा था 50 करोड़ गर्लफ्रेंड। खैर, मेरे पास इस प्रकार के भद्दे घृणात्मक उदाहरण की फेरिश्त बहुत बहुत लंबी है। मेरी मूल बात यह है कि जब इस देश के राजनीतिक वार्तालाप और वक्तव्यों के स्तर को नीचे गिराने की बात आएगी, गटर में ले जाने की बात आएगी, तो सिर्फ एक पार्टी है, एक प्रधानमंत्री हैं, एक सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये किया है, वो सबसे अग्रणीय हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये रेस जीत ली है। इस रेस में हमने तो शुरुआत भी नहीं की, वो जीत गए हैं, सबसे अग्रणीय हैं और बधाई के पात्र हैं कि गंदे भद्दे डिस्कोर्स की रेस में अग्रणीय हैं, उत्तीर्ण हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये भारत की गणतंत्र की सही पहचान नहीं है। थैंक यू। और मैं कहूँगा इस रूप से कि जैसे सीरियल किलर होते हैं, ये सीरियल अब्यूज़र हैं, सीरियल अब्यूज़र हैं। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू इन इंग्लिश बिकॉज़ वो कोटेशन वापस करने, यू वांट टू डू इन इंग्लिश और नॉट नेसेसरी, दोनों एक दूसरे के प्लेटफॉर्म के बिना नहीं बोलते। मैंने 10 वाक्य अभी आपको उनके दिए हैं, उससे पहले 10 वाक्य मैंने पार्टी के दिए हैं। मैं तो यहाँ तक भी तैयार हूँ कि अगर पार्टी उनके बिहाफ पे माफ़ी मांग ले या वो पार्टी के बिहाफ पे माफ़ी मांग ले, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मैं अपने पहले वाक्य पे आता हूँ, भाजपा माफ़ी मांगो। जी जी देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा एक रोचक उदाहरण दिया है, इसलिए मैंने ये आपके तो उदाहरण दिए। आपको तुलनात्मक रूप से 30 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा फर्क हमारे में और उनमें। ये हमारा ट्विटर हैंडल नहीं है, नंबर वन। ये स्पष्टीकरण उस ट्विटर हैंडल से भी आ गया है जहां से आपने ये पढ़ा। उसके बावजूद हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने वक्तव्य दे दिया है। उसके बावजूद मेन कांग्रेस, यानी युवा कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस पोडियम से मेरे कॉलीग मिस्टर सुरजेवाला ने वक्तव्य दे दिया है और उस स्पष्टीकरण में यहां तक कह दिया है कि हम बिल्कुल असहमत हो प्रधानमंत्री से, फिर भी हम प्रधानमंत्री का पूरा आदर करते हैं, हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि का आदर करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप कल गाली दें तो अपने शब्द को रिवाइंड कर लीजिए, ये शक्ति आप में नहीं है। लेकिन ये शक्ति तो है आप में कि आप खेत पकड़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। यहाँ तो माफ़ी मांगी जा रही है उन लोगों द्वारा जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जिनका हैंडल ही नहीं है। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ उनका, जो खुद बोल रहे हैं बिना माफ़ी के। दबने का सवाल, अगर दबने का सवाल होता माननीय
महोदय, तो मैं यहाँ से आपके समक्ष आपके जरिए मैं पूरे अभियान को पूरे देश में पहुँचाना चाहता हूँ। तो मेरा सवाल क्या है, मैं तो देखिए प्रकाशित करने की सीमाएं हैं, इसलिए हम आपके थ्रू प्रकाशित करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप सूरत के डायमंड और टेक्सटाइल के विषय में बात कर रहे हैं, किसी और वीडियो के बारे में बात? हाँ, वो तो हम सब लोगों ने भी देखा है। देखिए इसके दो मैं बता रहा हूँ आपको, धमकी कौन दे रहा है बात, दो इसके पहलू हैं। पहला पहलू है कि वो वीडियो अदरवाइज देखने लायक है, क्योंकि वो आपको तीव्र पीड़ा, तीव्र दर्द, हैरेसमेंट, नुकसान, बहुत भयानक सा एक आक्रमण जो होता है व्यवसाय पे, वो दिखाता है हीरे और कपड़े के व्यापारियों का। उस बात तो मैं नहीं जाना चाहता, उसमें टिप्पणियां हैं, उसमें आक्रोश है, उसमें मांगे हैं, उसमें दर्द है। दूसरा पहलू जो आपने बोला, ये बताइए मुझे आप, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, एक प्रश्न द्वारा उत्तर ही है एक तरह से, कि जो आज आप माहौल देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, भय का कह लीजिए, आतंक का कह लीजिए, हिचक का कह लीजिए, इंडस्ट्री एसोसिएशन में कह लीजिए, प्रकाशकों में, जर्नलिस्ट में कह लीजिए, आम आदमी में कह लीजिए, कभी ये था 2014 के पहले? क्या कभी कोई सोच सकता था ये लिखना कि कांग्रेस राज में ब्लर करके चलाओ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई ब्लर से मतलब है, मतलब है कि जो मूल गणतंत्र की शक्ति है उसको धूमिल करने का आप असर देख रहे हैं आज। वो असर आप हर तबके में देख रहे हैं, हर समुदाय में देख रहे हैं। और ये भय आता है प्रतिशोध से, प्रतिशोध आता है सरकारी यंत्र तंत्र अस्त्र का दुरुपयोग करने से। और ये आज एक सार्वजनिक सत्य है, ये सार्वजनिक सत्य से दूर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सत्य आपके हर वर्ग में दिखेगा आपको, और आपके सब यहां जो बैठे हैं मित्र वो भी जानते हैं उस सत्य को। देखिए निश्चित रूप से ये हमने भी परसों ही देखा है और इसका अवलोकन हो रहा है। ये कोई अनोनिमस रिपोर्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी, ये लगभग 4-5 पन्ने की है अगर इसको प्रकाशित करें आप तो। तीसरा, व्यक्ति विशेष ने करीब करीब 1-1.5 साल लगाया है इसकी तहकीकात करके, और उससे तथ्य दिए हैं, तारीखें दी हैं, सीक्वेंस दिया है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ें तो प्राथमिक दृष्टि से हम इसको बहुत, अगर न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करें तो ये अत्यंत गंभीर है, भीषण गंभीर है, सीरियस है, विकृत है। और अगर आंशिक रूप से भी सच है तो भयानक है। तो आपका जो इंक्वायरी का सवाल है वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से सही है, ये अभी सामने आई है। और ये हमारे पूरे गणतंत्र लोकतंत्र के लिए बहुत महत्व रखती है, तो इसलिए निश्चित रूप से इसमें इसको सिर्फ नकारने के लिए ही आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ इसको नकार दीजिए, इसको इसको सिद्ध कर दीजिए कि किसी रूप से सही नहीं है, क्योंकि ये लिखी किसी गैर जिम्मेवाराना राजनीतिक आरोप के हैसियत से नहीं लिखी गई है। इस पर तथ्य हैं, बड़े सोबर स्टाइल से लिखी गई है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये भयानक है कि अगर जज तक ये आक्षेप ऐसा सॉरी आक्रमण जो इस आक्षेप आया है इस आर्टिकल में हो सकता है, तो मैं समझता हूँ हमारे पूरे ढांचे और हमारी नींव जो है लोकतंत्र और गणतंत्र की, उसमें बहुत ही गंभीर आघात है। नहीं, खामोशी की बात नहीं है, अभी परसों आया है। हमको देखिए, हमको मेरिट्स ऑफ द केस की बात नहीं, मैं इसमें स्पष्टीकरण दे दूं, मैं आपके उस केस की मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, या उन केसेस के मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो ये जज सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। कोई जज, ये बड़ा महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री बात है जो मैं कहना भूल गया, कि जज 10 केसेस सुनते हैं, हमको कोई मतलब नहीं उस केसेस की मेरिट से। लेकिन हत्या तो निश्चित रूप से हम एंडोर्स कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसमें हिचक कहाँ है। ये तो परसों की बात है, आज मैं समझता हूँ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मंडे का मेरे ध्यान नहीं, तो इसलिए हम बिल्कुल ले रहे हैं। एक मिनट ले लीजिए, एक कमी मानो।
देखिए मध्य प्रदेश में तो हमें 4 साल 3 साल लगे, बल्कि 5 साल लगे मैं कहूँगा, लेकिन 3 साल तो न्यूनतम लगे जब तक सीबीआई इंक्वायरी हुई। ये जो है ये अभी शुरू हुई है, इसमें 3 साल नहीं लगने चाहिए इंक्वायरी के लिए, इसमें 3 महीने नहीं लगने चाहिए इंक्वायरी के लिए। ये गंभीर है क्योंकि आप न्यायपालिका, न्यायालय, तीसरे ऑर्गन और एक ऐसे गंभीर मुद्दे में अगर इसमें हत्या का आरोप आंशिक रूप से भी सही है, और मैं कहता हूँ नहीं बिल्कुल झूठ है, तो भी इसको व्यापक रूप से इंक्वायर करके सिद्ध करना चाहिए। एक मिनट एट द मोमेंट लुक एट दिस वेरी वेरी फनी सिचुएशन, एक्चुअली इट्स लाफेबल व्हाट यू आर पॉइंटिंग आउट। एट द मोमेंट वी आर नॉट इन पावर, सो वी कैन नॉट शो एनी प्रॉमिस इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट सिचुएशन। व्हाट हैज बीन डन विल बी एंड हैज बीन क्लैरिफाइड बाय सेवरल क्वार्टर्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड विल बी फुली इन कन्फॉर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, बट टूडे वी आर आउट ऑफ पावर। But the funny part of this comment of the Honorable Finance Minister is that where his own party is in power, for example in Rajasthan, every possible kind of excess is going on. There they have proved, because there they don't have to promise. They are the government. They have proved that 50% be damned, 51% be damned, 55% be damned, every kind of reservation is promised right, left and center. So let us not talk double speak, let us not be hypocritical. Deception will happen after we come to power if we do a wrong thing. But we have said again and again that unlike the BJP, we are law abiding and we will do within the constitutional daira. किसने कहा है? निश्चित रूप से मूर्ख किसने किसको बनाया है उसका उदाहरण जाके देखना है तो जाके देखिए आप राजस्थान में, वहाँ तो सत्तारूढ़ सरकार है बीजेपी की, दिन प्रतिदिन मूर्ख बनाते हैं, कभी जाट रिजर्वेशन की बात करते हैं, कभी गुजर रिजर्वेशन की बात करते हैं, कभी किसी और आरक्षण की बात करते हैं, और वो सत्ता में वो कर सकते हैं, कर नहीं पाते फिर भी वायदे करते हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम सत्ता में नहीं है, हमने कोई ऐसा नीति नहीं बनाई, कोई सर्कुलर प्रकाशित नहीं किया, और बार बार ये कहा है कि हम गुजरात में, गुजरात के विषय में अगर जब सत्ता में आएंगे तो हम 100% संवैधानिक दायरे के अंतर्गत कार्यान्वित करेंगे, और हमारे पास वो हुनर है, हमारे पास वो क्षमता है कि हम संवैधानिक दायरे के अंतर्गत ये करेंगे। तो ये तो हिपोक्रेसी आडंबर की बात है। आप तो कर दिखाया आपने असंवैधानिक, हमने तो अभी तक कुछ भी संवैधानिक नहीं किया। निश्चित बात हुई है, बात तो हुई है। मैंने उसका जवाब दे दिया ना आपको, मेरे से प्रश्न पूछने से पहले आप जेटली साहब से पूछिए कि कितने प्रदेश और कितने बीजेपी शासित गढ़ हैं जहां 51% से ज्यादा हुआ है, पहले उसका उत्तर दें। नंबर दो, हमने तो अभी तक कोई 51% दिखाया नहीं आपको, हमने तो कहा है बार बार कि हम संवैधानिक दायरे के अंतर्गत, मैंने ये नहीं कहा 51 या 50 या 52, मैंने कहा संवैधानिक दायरे के अंतर्गत हम वो काम करके दिखाएंगे आपको। बात खत्म हुई। आप हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें आपको क्या आश्चर्य हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी तो आश्चर्य होता अगर जो आप कह रहे हैं उसकी उल्टी बात होती। तो देखिए, पाकिस्तान ये सबक नहीं सीखने वाला है कभी, और भारत को ये निरंतर लगातार ये प्रयत्नशील रहना पड़ेगा कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज करे। और मैं नहीं समझता कि किसी भी रूप से पाकिस्तान इस सबक को सीखने वाला है। यद्यपि
इस सबक को नहीं सीखने का दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा कई बार पाकिस्तान पे भी पड़ता है, लेकिन ढीठपने की हद है और ढीठपने की हद आपने देखी है बार बार। लुक, आई डोंट सी वाई यू आर सरप्राइज। आई एम सर्टनली नॉट सरप्राइज। आई वुड हैव बीन सरप्राइज इफ द कॉन्सिक्वेंस वुड हैव बीन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू सेड। पाकिस्तान हैज नेवर एंड इज नेवर गोइंग टू लर्न दिस लेसन। पाकिस्तान इज इन कोल्यूजन, एक्टिव कोल्यूजन, एंड द प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर cannot punish the co-conspirator. It can never happen. However, Pakistan does not have even medium-term vision to realize that this will lead to the implosion of Pakistan itself. India must nevertheless be relentless in its pursuit of the program to expose Pakistan in each of the 191 or 200 countries of the United Nations. With material, with evidence, with CDs, with documents, with dossiers, to show that this is the utmost limit of hypocrisy by Pakistan, which runs with the hare and tries to run hunt with the hound. देखिए, ट्रिपल तलाक के विषय में मैं आपको याद दिला दूं कि नंबर एक, हमने सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया के पहले आपके सामने इस मंच से मैंने खुद ने समर्थन किया था, मैं दोहरा रहा हूँ। समर्थन नंबर दो, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भरसक पूरा व्यापक समर्थन किया था। नंबर तीन, हमने ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया को, ट्रिपल तलाक की बात कर रहा हूँ मैं, खंडन किया था, निंदा की थी। और नंबर चार, इसलिए हम समर्थन करते हैं वो सब चीज़ों का जो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है। इन सब के बाद हमारा एक बड़ा स्पष्ट कैवियट है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय बड़ा स्पष्ट लिखा है, काले सफ़ेद अक्षरों में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां पकाने या चने भुनाने की प्रक्रिया न करें। बस चुनावी मौसम देख के ये गुलछर्रे नहीं उड़ाइए, चुनावी मौसम देख के गुब्बारे नहीं उड़ाइए अपॉर्चून मोमेंट में। इतना ही मेरा विनम्र निवेदन है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, सकारात्मक सुझाव के आधार पर जो सुधार होता है, रिफॉर्म होता है, उसका पूरा स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसको एक शगुफे में छोड़ देना चुनाव के बीच में, हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत के नागरिक इस सब फर्क से जागरूक हैं। देखिए, अब ये चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, क्या ये हमारी रणनीति। आप आश्वस्त रहें कि अंतिम तिथि के पहले हम प्रकाशित करेंगे। ये सब रणनीति का हिस्सा होता है, कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन 99% सीट से हो गई है, अब दो चार और भी हो जाएंगी, चिंता नहीं करिए। हाँ नहीं, देखिए जो हमने अरेंजमेंट किया है वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन नामों की बात अभी यहाँ से नहीं की जा सकती। हो गया, यू आर लेट। ओ आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। यू आर यूजुअली लेट, सो आई थॉट इज योर मिस्टेक। सॉरी, आई डिडंट गेट इट। यस राइट, yes, exactly, fully in agreement that the BJP functions deciding on the color of your hair, the color of your jacket, the color of your handkerchief, the political color of your complexion, and that is a very fair way of doing things. There is no ground for appeal for Mr. Amit Shah in any case. There is every ground for appeal in every other CBI case. I think you have answered your own question. The whole country is aware of the double standards. Not at all, not at all. I am saying that when you make a comment that this SLP lies and that SLP does not lie, you have to give jolly good reasons why no SLP lies against acquittals of your party president in much more heinous crimes, and why appeals lie only
in cases of political opponents. You should understand the text of what I am saying. So this is a clear political bias. I am not commenting on the merits at all. I am saying this is a brazen political double standard. And let me tell you that appeals filed in Pirari Vijayan may be few or one, but non-appeals not filed in case of Mr. Amit Shah are many.